हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसा आपको यूट्यूब पे ऐसी लाइव स्ट्रीम करनी है और ऐसी लाइव स्ट्रीम करनी है, इन लाइव स्ट्रीम के बारे में आपको बताने वाला हूँ। इतनी डिटेल में आपको बताने वाला हूँ, बेसिक से लेकर एडवांस जो भी फीचर्स रहते हैं उन सभी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो आप बने वीडियो के लास्ट तक। तो हम अपनी वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। तो जैसे दोस्तों यहाँ पर आप बगल में मेरी मोबाइल की स्क्रीन देख सकते हैं, तो यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ यूट्यूब को। सबसे पहले आपको यहाँ पर यूट्यूब को ओपन कर लेना है। कौन सी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स रहती है लाइव स्ट्रीम करते वक्त, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर मैं बीच वाले आइकन पे करता हूँ क्लिक, लाइव पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं लाइव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें, यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आपको अपनी लाइव स्ट्रीम मतलब कि शॉर्ट में करनी है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल करनी है, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। कैमरे के नीचे फोन का आइकन आपको देखें, यहाँ पे आपको लॉन्ग में करनी है तो ऐसे कर देना, तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। अगर आप इसे दोबारा क्लिक करेंगे तो ये हमारी वर्टिकल हो जाएगी। वर्टिकल हमारी ये वाली होती है, लॉन्ग हमारी ये वाली होती है। तो यहाँ पर मैं शॉर्ट में करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपको पेंसिल वाले आइकन पर करना है क्लिक। पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर आपको टाइटल दे देना है ना। टाइटल मैं यही रखता हूँ, ऋषभ बौद्ध ऑफिशियल यहाँ पे रखता हूँ मैं टाइटल। पर इसको आपको पब्लिश कर देना है। अगर आप अनलिस्ट रखना चाहते हो तो अनलिस्ट भी रख सकते हैं। पब्लिश कर देंगे तो वो सभी को, जो भी आपके ऑडियंस है उन सभी को दिखाई देने लग जाएगी कि आप इस समय पर लाइव स्ट्रीम करने वाले हैं। तो ऑडियंस पर हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको नो पे क्लिक कर लेना है। फिर आपको इस पर बैक कर लेना है। फिर आपका यहाँ पे इनवाइट गेस्ट का, जैसा कि आप दो यूट्यूबर एक साथ लाइव स्ट्रीम करना चाहते हो तो उसके लिए होता है, तो उसको अभी हम नहीं देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में हम क्लिक करते हैं। और आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भरना है तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आप भर सकते हैं। जो भी आप अपनी लाइव स्ट्रीम में बताना चाहते हैं ना, उसके हिसाब से यहाँ पर आपको कीवर्ड सेट कर देना है। और यहाँ पर मैं लोकेशन पर क्लिक करता हूँ। लोकेशन अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर इसको यहाँ से मैं बैक कर लेता हूँ। लोकेशन के बाद आता है यहाँ पर स्क्रीन कास्ट का। स्क्रीन कास्ट का यही है कि अगर आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन शेयर करना चाहते हो, तो जैसे आपको गेमिंग करनी है, अपनी स्क्रीन दिखा के कुछ बताना है, मोबाइल की स्क्रीन दिखा के कुछ बताना है, तो इसके लिए आप ये वाला फीचर ऑन कर सकते हो। अगर आप गेमिंग वगैरह करते हो तो यहाँ पे आपको ऐड अ गेमिंग टाइटल पे क्लिक कर देना। अगर जो भी जोन आप गेम खेल रहे हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट करके अपनी मोबाइल की स्क्रीन शेयर करके अपनी लाइव स्ट्रीम कर सकते हो, है ना। तो अभी इसको हम ओपन नहीं करें, अभी हम फेस वाली करने आ रहे हैं लाइव स्ट्रीम। तो यहाँ पर मैं शेड्यूल पर कर देता हूँ क्लिक, ये शेड्यूल कर देता हूँ मैं। यहाँ पर आपको डेट टाइम सेट कर लेनी है, जैसे कि यहाँ पर मैं आज ही करने वाला हूँ 7 तारीख को। 7 तारीख करने के बाद यहाँ पे ओके कर देता हूँ। टाइमिंग रख देता हूँ 6 बजे, है ना, इसको कर देता हूँ मैं ओके। यहाँ पे टाइमिंग सेट हो चुका। अगर आपको तुरंत ही लाइव जाना है तो आप जो शेड्यूल का ऑप्शन है इसको आपको इनेबल नहीं करना है, इसको आप ऐसे हटा देना, डायरेक्ट आप लाइव भी जा सकते हैं। यहाँ एडवांस सेटिंग में मैं क्लिक करता हूँ। कमेंट अलाउ कर देने, रिएक्शन अलाउ कर देने, अगर आप प्रमोशन कर रहे हो किसी चीज़ का, यहाँ पर आपको ये वाला ऑप्शन इनेबल कर लेना है। जैसे मैं बैक कर लेता हूँ और इसको नेक्स्ट पे कर देता हूँ क्लिक। अब नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट पे कर देना है क्लिक। अब नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करके अपना थंबनेल भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ मैं अपना थंबनेल लगा लेता हूँ, अपलोड थंबनेल पे क्लिक करता हूँ, इसको अलाउ कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं अपना थंबनेल ऐड कर लेता हूँ। तो एग्जांपल के तौर पर मैं ये वाला थंबनेल ऐड कर लिया, अब मैं डन पे कर दूंगा क्लिक। तो मैं जिस समय पर लाइव जाना मैं यहाँ से लाइव जा सकता हूँ, है ना। अब जो इंपॉर्टेंट सेटिंग्स रहती हैं ना लाइव के इंप्रेशन बढ़ाने के लिए, जो मतलब लाइव को रिकमेंड करे ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब, जो भी सेटिंग रहती है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ से आपको बैक कर लेना है। बैक करने के बाद यहाँ पर आपको गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। अब गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पर आप यूट्यूब ओपन कर लेना है। इसको लिखने के बाद आपको यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करना ऊपर से, और इसको डेस्कटॉप साइड पर कर लेना है ना। डेस्कटॉप साइड पर अपने यूट्यूब को कैसे ओपन करते हैं उसके ऊपर मैंने वीडियो ने उसको आप जाकर दे सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको लोगो पे क्लिक करना है। लोगो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा होगा व्यू योर चैनल, ब्लू कलर में दिखाई दे रहा होगा, उस पर आपको करना है क्लिक। व्यू योर चैनल पर क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। फिर आपको यहाँ पर कस्टमाइज चैनल पर करना है क्लिक। कस्टमाइज चैनल पे जैसे क्लिक आप करेंगे फिर आपका ये ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको कंटेंट वाला ऑप्शन में क्लिक करना है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये वाला ऑप्शन कंटेंट का, इस पर हमने ऐसे क्लिक करा। यहाँ पर आपको लाइव पे करना है क्लिक। यहाँ पर आपको लाइव पे क्लिक करने का, यहाँ पर आप लाइव देख सकते हैं। ये वाली शेड्यूल जो मैंने करी थी ना, जिस पर ये वाला थंबनेल लगाया था, ये सब बहुत ऑफिशियल है ना, इसको यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। अब इस पर क्लिक करने के बाद है ना, यहाँ से आप टाइटल भी चेंज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे आप कीवर्ड, अगर आप अपनी लाइव स्ट्रीम कीवर्ड लिखोगे ना, तो आपकी जो लाइव स्ट्रीम वो सर्चिंग में जाएगी, उससे ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस आपके पास आ पाएगी। कीवर्ड कैसे लिखते हैं उसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो नहीं, उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। आई बटन में आपको लिंक देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पर आप थंबनेल भी चेंज कर सकते हैं, थंबनेल चेंज करने का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया। अगर आपको टाइमिंग चेंज करनी है शेड्यूल की, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। सी मोर पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैं ऊपर कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको टैग भरने पड़ेंगे, यहाँ पर आपको टैग भर लेने हैं, जो भी आपकी जो लाइव स्ट्रीम है ना वो टैग यहाँ पर आपको भर देना है। यहाँ पर आपको स्ट्रीम की लैंग्वेज हिंदी कर लेनी है, अगर आप हिंदी में कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर मैं कैटेगरी पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैं लेता हूँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी करने के बाद यहाँ पर आपको कमेंट को ऑन कर देना है, और इसको स्ट्रिक्ट पर क्लिक कर देना है। स्ट्रिक्ट पर आप जैसे क्लिक कर देंगे तो कोई भी गलत कमेंट आपकी
लाइव स्ट्रीम में नहीं आएगा। जैसे कोई गाली गलौज करता है या कुछ गलत वर्ड बोलता है तो वो वर्ड आपके लाइव स्ट्रीम में नहीं आएंगे, इससे ये फायदा रहता है। फिर आपको इसको यहाँ पे कर देना सेव, यहाँ पे आपको सेव का बटन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आपको कर देना इसको सेव। अब इसको सेव करने के बाद और भी ऑप्शन है, इनका मैं यूजेस बताता हूँ आपको। पेंसिल नीचे जो आइकॉन है इस पर हम करते हैं क्लिक, या स्ट्रीम कस्टमाइजेशन है ना, यहाँ पे आपको लाइव चैट है ना, लाइव चैट पर टिक कर लेना है, लाइव चैट रिप्लाई पर टिक कर लेना है, और यहाँ पे आपको सब्सक्राइबर पे क्लिक करना है, और यहाँ पे इस पर क्लिक करके मिनट पे क्लिक करके एनी ड्यूरेशन करना है। जो भी आपके लाइव स्ट्रीम जो मैसेज करेगा ना, वो आपको पहले सब्सक्राइब करेगा, उसके बाद मैसेज कर पाएगा, ये होती है सबसे बड़ी सेटिंग। वो आपको सब्सक्राइब ही करके तभी मैसेज कर पाएगा, वरना वो मैसेज नहीं कर पाएगा आपकी लाइव स्ट्रीम में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैसेज डिलाय है ना, अगर इसको आप टिक कर लेते हैं, एक मैसेज के बाद दूसरा मैसेज कितने समय बाद आना चाहिए, 60 सेकंड बाद आना चाहिए, 1 मिनट बाद आना चाहिए, या 30 सेकंड बाद आना चाहिए, तो वो आप यहाँ सेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ, अगर आप इसको करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं। तो भी यहाँ से मैं सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारी लाइव स्ट्रीम जो इंपॉर्टेंट सेटिंग्स होती हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम चल रहे हैं अपनी लाइव स्ट्रीम पर। यहाँ मैंने यूट्यूब ओपन कर लिया है, यहाँ पर मैं इसमें बीच पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं मेरी लाइव स्ट्रीम यहाँ पे शो हो रही है ना, इसमें मैं क्लिक करता हूँ। मेरी दो लाइव स्ट्रीम है, ये मेरी एडसेंस पिन वाली है ना, इसमें मैं क्लिक कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे गूगल ऐप पे क्लिक करूँगा तो मेरी लाइव स्ट्रीम चालू हो जाएगी, गूगल ऐप पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी लाइव स्ट्रीम चालू हो गई। यहाँ पर आपको ऊपर दिखा दे कितने मेंबर हमारे जुड़े हैं, कितने मेंबर ने लाइक किया, वो चीज़ यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अगर आपको अपना माइक ऑफ करना है माइक ऑफ भी कर सकते हैं, अगर आपको कैमरा चेंज करना है जैसे कि फ्रंट का कैमरा करना है तो इस वाले एरो से आप कर सकते हैं। अगर आपको फिल्टर लगाना है तो फिल्टर भी आप यहाँ से लगा सकते हैं अपने थंबनेल पर। अगर आपको कमेंट चेक करना है, आपको साइड में कमेंट पे क्लिक करना है, कमेंट पे ऐसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे चैट फिल्टर पे आपको क्लिक करना है। अगर आपको टॉप मैसेज देखना है या आपको ऑल मैसेज देखने हैं, या आपको नन कर देना, ऑल चैट हाइड हो जाएंगे, यहाँ पर सभी जो मैसेज आ रहे होंगे वो सब हाइड हो जाएंगे यहाँ पर। तो ऐसा आप यहाँ पर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, यहाँ पर मैं टॉप मैसेज कर देता हूँ। अगर आपको यहाँ पे पोल वगैरह करनी है ना, जैसे आपने बहुत सकम देखिए पोल आता है, इसमें यस या नो पे क्लिक करना पड़ता है, तो आप यहाँ से बीच वाले अकाउंट पे क्लिक कर सकते हैं और स्टार्ट पोल पे क्लिक कर सकते हैं। जो भी आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं अपनी ऑडियंस से, यहाँ पर आप लिख सकते हैं। यहाँ पर अपना कुछ भी क्वेश्चन में डाल देते हैं, XYZ क्वेश्चन डाल दिया मैंने यहाँ पर, है ना। इसको डालने के बाद मैं यहाँ पे स्टार्ट पोल पे कर देता हूँ क्लिक। इसको मेरी ऑडियंस देख सकती है इस पोल को, और इस पर क्लिक करेगी वो वोटिंग, यहाँ पे मुझे पता पड़ जाएगा कितने लोगों ने यहाँ पे वोटिंग करी है ना, यहाँ पर मुझे वो दिखाई दे जाएगा। आप नीचे देख सकते हैं पोल वोटिंग है ना, अभी जीरो है, कोई अभी लाइव स्ट्रीम जुड़ा नहीं है। और आपको अपनी लाइव स्ट्रीम पब्लिक रखनी तभी आपकी ऑडियंस आ पाएगी। यहाँ पर आपको थ्री डॉट पे करना है क्लिक कॉर्नर में, यहाँ पर अगर आप अपनी लाइव स्ट्रीम को शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ से आप शेयर भी कर सकते हैं। इस लाइव स्ट्रीम को यहाँ पर मैं ऑफ कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको डन पे क्लिक कर देना, कितनी मिनट की रही थी, कितनी ऑडियंस आपकी जुड़ी है, टोटल आपको वॉच टाइम कितना मिला है, एवरेज व्यू ड्यूरेशन क्या रहा है, वो चीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर मैं डन पे कर देता हूँ क्लिक। तो ये आप देख सकते हैं मेरी लाइव स्ट्रीम यहाँ पे अपलोड हो रही है भी प्राइवेट में अभी ये। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी आपको क्वेश्चंस वगैरह हैं, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो चले वीडियो करते हैं लाइक, चैनल को लें सब्सक्राइब, बेल आइकन कर लें प्रेस। यूट्यूब बैनर कैसे बनाते हैं, लोगो कैसे बनाते हैं, इस वीडियो बनाइए तो आप एंड स्क्रीन पर देख कर वॉच आउट कर सकते हैं। तब तक ले बाय बाय दोस्तों।